भी है, अनेकों नाम, कोई जसपुर ऐसी जगह नहीं है कि जितना मैं खटीमा में जानता हूँ उससे कम कहीं जसपुर में भी नहीं जानता हूँ। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में, इस सभा में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, हैप्पी आराम से बैठा तो मेरे शांति बनाओ सर। भाइयों बहनों, अभी जैसा डॉक्टर साहब आपसे कह रहे थे कि चुनाव में मात्र 11 दिन बच गए हैं और 11वें दिन वोटिंग हो जाएगी और प्रचार के केवल 9 दिन बचे हैं, 9 दिन में प्रचार समाप्त हो जाएगा। इनको क्या कहते हैं, तो जरूरी है इंस्पेक्टर साहब, इनको आगे पीछे भेज दो, और कोई जाने वाला तो नहीं है। भारत माता की जय। भाइयों बहनों, बहुत कम समय चुनाव में रह गया और आप सब लोगों ने देखा है पिछले 5 सालों को पूरे प्रदेश के साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड राज्य के लिए जो तमाम विकास की योजनाएं यहां के लिए दी हैं वो हम सबके सामने हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं पिछले 5 वर्षों में स्वीकृत हुई हैं और बहुत दूर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी 25 तारीख की रात को अचानक मेरा कार्यक्रम बना और उस दिन भी ये हुआ कि आज मौसम खराब रहने वाला है तो मैंने तय किया 9:30 बजे रात को कि मैं आज रात को ही सड़क मार्ग से खटीमा जाऊंगा और खटीमा में 3:30 बजे रात को पहुंचा। उस दिन हमारे राम भाई वगैरह सारे लोग मुझे मिले थे रास्ते में, हम लोग ने यहां संधू ढाबे में हम लोग रुके भी थे। तो मैं सच बताऊं आपको, देहरादून से खटीमा पहुंचने में लगभग 360 किलोमीटर की दूरी होती है। बिल्कुल भाई, एक भी गड्ढा कहीं नहीं मिला, मुझे झटका ही नहीं लगा कहीं। बल्कि मैं ड्राइवर से पूछ रहा था, मैंने कहा भाई कोई एक अलग प्रकार की गाड़ी तो नहीं है, तो उसने कहा नहीं साहब, एक टैक्सी वाली गाड़ी है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है आजकल सरकारी गाड़ी भी नहीं है आपकी, ये प्राइवेट गाड़ी है क्योंकि आप पार्टी के कार्यक्रमों में जा रहे हैं। और पहले आज से पहले आपने देखा होगा 2014 से पहले हम देहरादून जाते थे तो कितना हमको कठिन संघर्ष करना पड़ता था, हम यहां से रुद्रपुर जाते थे कितना कठिन संघर्ष करना पड़ता था, आप यहां से मुरादाबाद जाते थे कितना कठिन संघर्ष करना पड़ता था। आज चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया और सड़कें भी बड़ी बड़ी हाईवे उत्तराखंड के अंदर, चाहे नेशनल हाईवे हो चाहे ऑल वेदर रोड हो, और ये रोड केवल यहीं तक नहीं, यहां से आप हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार से आप देहरादून जाएंगे, यहां से दिल्ली जाएंगे, यहां से आप रुद्रपुर जाएंगे, रुद्रपुर से आप टनकपुर जाएंगे, टनकपुर से आप पिथौरागढ़ जाएंगे, रुद्रपुर से आप काठगोदाम जाएंगे या काठगोदाम से आप रामपुर की तरफ जाएंगे, चारों ओर ऑल वेदर रोड है, भारतमाला श्रृंखला की रोड है, जहां देखिए वहां हाईवे, कहीं कर्णप्रयाग से हल्द्वानी जुड़ रहा है, कहीं कर्णप्रयाग से हमारा अंतिम छोर जो भारत का हमारा लिपू लेक तक का, आप चार धाम को जाने वाली सड़कें हो, आप केदारनाथ जी जाइए, बद्रीनाथ जी जाइए, आप यमुनोत्री जाइए, गंगोत्री जाइए, हर क्षेत्र में रोडों का जाल बिछ गया। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके बगल में यही रुद्रपुर में एक एम्स हमारा ऋषिकेश में खुल गया है जिसमें हजारों लोगों को रोज ओपीडी होती है और आने वाले समय में आपको यही रुद्रपुर में एम्स की सारी सुविधा मिलने वाली है। आप 40-45 मिनट में यहां से पहुंचेंगे, रुद्रपुर में ही मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विकास का
आईना है या उनका एक मैं कहूं कि स्वप्न है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलना है, हर जिले में स्वास्थ्य की सेवाएं होनी है। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो 4.5 सालों तक दिखाई नहीं दिए, 4.5 साल पूरी तरह से गायब रहे हैं और चुनाव के समय में फिर से दिखाई देने लगे, और उनके जितने एजेंडे हैं या जितनी घोषणाएं हैं वो केवल और केवल एक बात को ध्यान में रखकर बनाया गया घोषणा पत्र है उनका। उनके एजेंडे केवल एक प्रकार के एजेंडे हैं, केवल चुनाव के एजेंडे हैं। चुनाव के बाद ना तो वो दिखने वाले हैं ना उनके एजेंडे दिखने वाले हैं। भाइयों बहनों, उन्होंने अपने एजेंडे में 4 धाम के नाम से कुछ प्रचारित किया है कि सबको स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे, सबको हम नौकरी दे देंगे, हम 500 रुपए से कम का सिलेंडर दे देंगे, ऐसे अनेकों चीज। वो पहले भी सरकार में रहे और आज जिन राज्यों में उनकी सरकार है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, या छत्तीसगढ़ हो, या महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी उन्होंने इस प्रकार की चीजें लागू नहीं करी हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में उनको दिखाया है कि हम ऐसा लागू करेंगे। और उनकी नेता आए थे कल जो घोषणा पत्र जारी करते हैं, जब उन्हीं से पूछा गया कि आप बताइए आप कैसे इनको लागू कर देंगे, तो पत्रकार वार्ता छोड़ के ही चली गई, वो जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उनका जो घोषणा पत्र है वो सत्य से परे है, व्यवहारिकता से परे है, जो हो नहीं सकता वो उनका घोषणा पत्र है। आज आप महंगाई की बात करते हो, आप बेरोजगारी की बात करते हो, ऐसी तमाम बातें। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी आई है और इस महामारी के दौरान मैं देश के वैज्ञानिकों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं आप सबकी तरफ से कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनुसंधान किया और अनुसंधान करने के बाद एक वैक्सीन नहीं, दो दो स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाई गई और पूरे देश को लगाने का क्रम शुरू हुआ। और जब वैक्सीन लगाई जा रही थी तब आपने देखा होगा कुछ नेता लोग और कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग वो कहने लगे कि ये वैक्सीन नहीं लगानी थी, ये वैक्सीन मत लगवाइए। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे, आपको ध्यान में? कह रहे थे, क्या कह रहे थे? वैक्सीन लगाओगे तो क्या होगा, चले जाओगे? ये वैक्सीन किसकी वैक्सीन है? कह रहे थे मोदी जी की वैक्सीन है, ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, इस वैक्सीन को लगाओगे तो किडनी फेल हो जाएगी, इसको लगाओगे तो लीवर फेल हो जाएगा, इसको लगाओगे तो हार्ट फेल हो जाएगा, इसको लगाओगे तो ऊपर चले जाओगे। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। जहां हमारे देश के वैज्ञानिक इतना बड़ा अनुसंधान कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी रात दिन लगे हैं कि कैसे देश के लोगों की जान बचाई जाए, और ये बात सिद्ध भी हो गई, ये बात सिद्ध भी हो गई जब दूसरी लहर आई और उस दूसरी लहर में जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई थी, उनमें से अगर उनको कोरोना हुआ तो किसी को सर्दी हुआ छोटा सा, किसी को नजला आया, किसी को हल्का जुकाम आया, हल्का बुखार आया और वो ठीक हो गए, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, गंभीर हालत में चले गए। हमारे डॉक्टर साहब शैलेंद्र मोहन सिंघल जी तो खुद ही डॉक्टर है, कुछ तो आईसीयू में चले गए और हजारों लाखों लोग वो ऊपर भी चले गए। इनकी मौत का दोषी कौन है? इनकी मौत का दोषी वो लोग हैं जिन्होंने इनको वैक्सीन नहीं लगने दी। इनकी मौत की दोषी और इनके पापी और अपराधी कौन है? वो पार्टी है जिन पार्टियों ने वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। भाइयों बहनों, उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो सजा कैसे मिलेगी? आपका एक एक वोट इन पर गहरी चोट करेगा, जिससे कि ये भविष्य में राजनीति के लिए केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति न करें। ये सही मौका आ गया है ऐसी पार्टियों को जवाब देने का।
दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, अब तीसरी वैक्सीन भी मुफ्त में लगाई जा रही है और एक वैक्सीन की कीमत 1750 रुपए होती है। भाइयों बहनों, जब देश के अंदर इतने संसाधनों का उपयोग आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है, वैक्सीन को लगाने में हो रहा है, हमारे हॉस्पिटलों में आज ऑक्सीजन के जगह जगह पर प्लांट लग गए हैं, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर नहीं होते थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं होते थे, हमारे यहाँ पर आईसीयू वार्ड नहीं होते थे, वेंटिलेटर नहीं होते थे, सारी जगह पर आज छोटे से छोटे अस्पतालों में भी आज सारी सुविधाएं हो गई। इन सुविधाओं को लाने का काम किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का काम बंद हो गया, मजदूरी नहीं हो पाई, दुकानदारी नहीं हो पाई, छोटा मोटा काम था बंद हो गया, ऐसे लोग भी कोई भूखमरी के कगार पर ना आए, कोई बिना भोजन के ना रहे, खाली पेट न सोए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और हमारे प्रदेश के अंदर 60 लाख लोगों को प्रत्येक यूनिट 5 किलो मुफ्त में राशन देने का काम हुआ। भाइयों बहनों, इस कोरोना महामारी के दौरान और वो योजना अभी भी चल रही है। हमारे उत्तराखंड की सरकार ने भी इस योजना को 2022 मार्च तक लागू किया है। हम भी जितने एनएफएसए के कार्ड होल्डर हैं, उन सभी को 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं देने का काम कर रहे हैं। लगातार हमारी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। डबल इंजन का अर्थ होता है, आज अगर इतनी चीजें हम कर पाए हैं, कोरोना महामारी में इतनी राहत दे पाए हैं, राज्य को विकास को आगे बढ़ा पाए हैं, तो इसलिए बढ़ा पाए हैं कि वहां केंद्र में मोदी जी की सरकार है, जो सरकार हमारे प्रदेश के प्रति लगातार संवेदनशील है, विकास के लिए उत्तरदायी है, और दूसरी तरफ आपकी सरकार है, उत्तराखंड की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। भाइयों बहनों, मैं आप ही के जिले का रहने वाला हूं और जसपुर मेरा अपना घर है। मैं अनेकों बार, मुझे ध्यान भी नहीं है, मैं सैकड़ों बार नहीं हजारों बार यहां आया हूं, और ये रास्ता होता था, कई बार एक दिन में सवेरे जाते थे, शाम को आते थे। यहां पर मैं एक एक गांव से जानता हूं, प्रत्येक गांव को जानता हूं, यहां के एक एक व्यक्ति को जानता हूं, और जसपुर क्षेत्र के बारे में यहां की जितनी समस्याएं हैं या यहां पर जितने आगे विकास के काम होने, चाहे वो रोडवेज स्टेडियम की स्थापना हो, चाहे रोडवेज का बस स्टैंड हो, नादई चीनी मिल का नवीनीकरण हो, चाहे सिटकुल टेक्सटाइल पार्क में नवीन उद्योगों की स्थापना करनी हो, युवाओं के लिए लाइब्रेरी की स्थापना हो, या महिला स्वयं सहायता समूह को उनके उत्पादों की बिक्री हेतु हाट बाजार की स्थापना करनी हो, चाहे अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति करनी हो, ऐसे अनेकों काम, तहसील भवन का नवनिर्माण है, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजें यहां के लिए पहले से प्रस्तावित की है, बहुत सारी चीजें हमने अपनी घोषणाओं में भी डाली है। क्योंकि आचार संहिता थोड़ा जल्दी लग गई इस बार, अन्यथा वो सारे के सारे शासनादेश निकल गए होते, उन सभी कामों को बढ़ाना है। और मैंने 5 महीने के कालखंड में, अब मैं अभी कल बेरीनाग गया था, क्या उत्साह लोगों में, जबरदस्त, जहां हम छोटी छोटी जगह पर सोच रहे थे, मैं सोच रहा था कि 150 लोग इकट्ठे होंगे और कई हजारों लोग जब चलने लगे तो सैकड़ों लोग थे, चलते चलते वो संख्या हजारों में बदल गई। और संपर्क करते करते मैं एक बुजुर्ग से मिलने चला गया, मैंने एक बुजुर्ग देखे, मैंने कहा इन बाबा का आशीर्वाद ले लेता हूं, मैंने कहा बाबा ये हमारे प्रत्याशी हैं फकीर राम टमका जी, इनको आशीर्वाद दे दीजिए। बोले आशीर्वाद तो आपको दे दिया मैंने, उन्होंने दोनों मेरे जो है सर पर हाथ रखा, बोले आशीर्वाद है बेटा, जाओ विजय हो, और बोले आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आपको समय कम मिला। तो मैंने कहा बाबा ये तो मेरी पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने मुझे 5 माह का समय दिया, मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं कि आप 5 साल का समय दीजिए, हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। जो हमारी कल्पना है कि 2025 में हमारा राज्य जब अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा होगा, अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, उस समय हर क्षेत्र में, हर दृष्टि से हमारा ये प्रदेश, हमारा ये जसपुर क्षेत्र, हमारा ये उधम सिंह नगर का क्षेत्र,
ये चाहे उद्योगों के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में हो, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में नंबर वन का क्षेत्र होगा। उसके लिए हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। सारे विभागों को हमने 10 सालों का रोड मैप बनाने के लिए कहा है कि 10 सालों का रोड मैप बनाइए। हमने भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार में काम करने वाले, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, ऐसे सब लोगों के समूह बनाकर हमने विचारों की श्रृंखला आयोजित की है। और उन विचारों की श्रृंखला से जो विचार निकले हैं, उन विचारों का संकलन करके एक रोड मैप बनाया है कि कैसे हमारा राज्य ये नंबर वन राज्य बनेगा, कैसे उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनेगा, कैसे बहुत सारे क्षेत्रों में आज रोजगार की समस्या है, कैसे उद्योगों में हमारे स्थानीय लोगों को अधिक बढ़ावा मिले, यहाँ के उत्पादों को कैसे बढ़ावा मिले, कैसे हम लोग उनमें सहभागी बने, कैसे हम आत्मनिर्भर बने, ये सारे के सारे विजन, सारे का सारा रोड मैप हमारा बनाया हुआ है। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। एक तरफ हमने इतनी सारी योजनाएं बनाई, मोदी जी ने इतने सारे काम किए, एक तरफ तो यह काम करने वाले, ये चुनाव दो प्रकार के लोगों के बीच में, एक काम करने वाले और दूसरे कारनामे करने वाले। क्या करने वाले? क्या करने वाले? कारनामे भी नहीं, काले कारनामे। आपने एक नेताजी को टेलीविजन पर देखा था आज से 5 साल पहले, जब वो टेलीविजन पर कह रहे थे कि जितना लेना हो ले लो और मैं क्या कर लूंगा, मैं आंखें बंद कर लूंगा। अभी आप देख रहे होंगे, एक तरफ जहां मोदी जी और हम लोग कहीं केदार बाबा का पुनः निर्माण कर रहे हैं, बद्रीनाथ बाबा का नव निर्माण कर रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं, काशी में जो है भव्य काशी, दिव्य काशी बना रहे हैं, धर्म का, संस्कृति का उत्थान हो रहा है, हमारी पुरातन संस्कृति आगे आ रही है, हमारा पुराना काल वापस आ रहा है, हमारी संस्कृति का उत्थान हो रहा है, उद्भव हो रहा है, नए रूप में आ रहा है। जैसे योग पूरी दुनिया के अंदर 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया, ये सारे काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। हेमकुंड साहब में रोपवे का काम हो रहा है। अभी भारतमाला जैसे रोडों के लिए लाया गया, उसी तरह से पर्वतों को जोड़ने के लिए पर्वतमाला लाया गया है, पर्वतमाला प्रोजेक्ट, जिससे हर जगह पर रोपवे बनाए जाएंगे। एक तरफ तो ये काम हो रहा है, दूसरी तरफ कल कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र लागू हो रहा था। उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कोई मंदिर नहीं बनाएंगे, कोई स्कूल नहीं खोलेंगे, कोई अस्पताल नहीं खोलेंगे, ये कुछ नहीं है उसमें। वो कह रहे हैं सबसे पहले हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाएंगे? और अपने समय में छुट्टी किसकी करते हैं? तो आप सब लोग जानते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने काले कारनामे किए हैं, काम कुछ नहीं किया है। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज उनको ये जरूरत नहीं पड़ती। मोदी जी ने इतनी सारी योजनाएं चलाई, अब देखिए इतने लोगों को राशन दे रहे हैं मोदी जी, 80 करोड़ लोगों को राशन देने का मुफ्त में काम हो रहा है, देश के 1,35,25,00,000 लोगों को, 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का काम हो रहा है। कहीं ये पूछ के तो नहीं दिया जा रहा है ना कि भैया तू किस जाति का है, किस धर्म का है, अगड़ी जाति का है, पिछड़ी जाति का है? सबको दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना लेकर आए, सबको दिया गया। आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, सबको दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय बनाने के लिए योजना लेकर आए, सबको दिया गया। किसान सम्मान निधि योजना आई है, सबको दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना आया, सबको दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना में अगर पक्के घर बनाए जा रहे हैं, उनको उनका मालिकाना हक दिया जा रहा है, तो सबको दिया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस आधार पर देश को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक केवल और केवल तुष्टीकरण करती रही। इन्होंने जो भी काम किया वोटों के लिए किया, देश के साथ समझौतों पर समझौते करते चली गई और देश को पीछे धकेलते गए। चाहे सेना की बात हो, सेना ने जितने युद्ध के मैदान में जीते, वो सारे के सारे युद्ध समझौते की मेज पर हार दिए गए।
ये इनका इतिहास रहा है। सेना का मनोबल तोड़ने का काम हो, चाहे गरीबों को दबाने की बात हो, चाहे घोटाले हो, ये सारा कांग्रेस का इतिहास रहा है। करप्शन और भ्रष्टाचार इसकी जननी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। भाइयों बहनों, एक तरफ मैंने कहा कि मुझसे लोग पूछ रहे थे कि चुनाव किस किसके बीच में होने वाला है, मैंने कहा ये चुनाव काम करने वाले और कारनामे करने वालों के बीच में होने वाला है, इसलिए जनता काम करने वालों को चुनेगी। और मैं इतनी बारिश में यहां पहुंचा हूं, मैं देख रहा हूं, क्योंकि एक बार मुझे लग रहा था कि आज बारिश ज्यादा हो गई है, हो सकता है कि आज आप लोग न मिलो, तो मैंने कहा मैं सीधे चले जाता हूं, क्योंकि मुझे जाना था, लेकिन आपने बताया कि नहीं लोग आए। मैंने कहा चाहे 50 लोग होंगे, 25 लोग होंगे, लेकिन मैं मिलकर जाऊंगा। और मैं आप सबका उत्साह देखकर यहां पर, आप सबका जोश देखकर मैं कह सकता हूं, मैं आश्वस्त हूं, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा कि जसपुर में भी इस बार कमल खिलने वाला है। और भारी बहुमत से डॉक्टर सिंघल इस बार विजय होने वाले हैं। आपका एक एक वोट, आपका एक एक वोट देश के प्रधानमंत्री जी को, जो काम कर रहे हैं उनको मजबूती प्रदान करेगा। आपका एक एक वोट मुझे भी ताकत प्रदान करेगा। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि 14 फरवरी को आप सब लोगों ने एक एक को निकालना है, घर के सारे वोट डलवाने हैं, आसपास के सारे वोट डलवाने, अभी से उसका प्रचार कर दीजिए और 11 दिन तक आप बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे। और देखिए सारा विकास होगा, ये सारा इतना बड़ा पर्चा है, इसमें कई सारे पॉइंट लिखे हुए, ये पॉइंट तभी पूरे होंगे जब लक्ष्मी जी आएंगे, और लक्ष्मी जी ना साइकिल में आएंगी, ना हाथी में आएंगी, ना झाड़ू में आएंगी, ना हाथ के पंजे में आएंगी, लक्ष्मी जी आएंगी सब लोगों को अंदर भेजकर कमल वाला जो बटन है उसको इतना दबवाइए, इतना दबवाइए, हर किसी से दबवाइए, शाम होते होते वो बटन अंदर चला जाए। और जब 10 मार्च को रिजल्ट आए तो ईवीएम के डब्बे में से उसमें से कमल ही कमल निकले, कमल ही कमल, कमल की लड़ियां और कमल की घड़ियां निकले, और लक्ष्मी जी आपके बीच में आ जाए तो उत्तराखंड का भी विकास होगा, हमारे जसपुर का भी विकास होगा। मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।